हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो कैसे हो आप सब। देखो, आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक कहानी पढ़ेंगे। किसकी? राजा का उत्तराधिकारी, है ना। हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। देखो, एक समय की बात है, पहले के टाइम पे तो राजा ही होते थे, है ना। एक राजा था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था। राजा के 3 बेटे थे। वह चिंतित था कि उसे उसके पुत्रों में कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए। वो कंफ्यूज हो गया था कि किसको वो उत्तराधिकारी बनाए तीनों में से, है ना। तीनों तो साथ बन नहीं सकते, तो वो बहुत चिंतित हो गया था। उसके लिए अपने 3 बेटों के बीच अगला राजा चुनना बहुत मुश्किल था। उसके लिए इन तीनों में से एक किसी एक को राजा चुनना क्या था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह उन सभी से बहुत प्यार करता था। उन सब से वो प्यार करता था, तो किसी एक को चुनना तो उसके लिए आसान नहीं था, है ना। एक दिन उसके मन में विचार आया। उसने अपने 3ों बेटों को बुलाया और उनसे कहा। एक दिन उसके मन में कुछ आइडिया आ गया। उसने तीनों को बुलाया, अपने 3ों बेटों को, और क्या कहा, मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दे रहा हूँ। आप गमलों में से इसे लगाएंगे और जिसका पौधा सबसे अच्छा और खूबसूरत होगा उसे ही राजा चुना जाएगा। उसने क्या बोला कि मैं तीनों को एक एक बीज दूंगा, आप तीनों उसे गमले में लगाना, ठीक है, और जिसका सबसे अच्छा पौधा होगा और सबसे सुंदर होगा वो उसी को क्या करेगा, राजा चुनेगा, ठीक है। उसने उन तीनों को ये टास्क दे दिया। फिर पिताजी, देखो हमारे पौधे कितने सुंदर हैं, उन बेटों ने कहा जिनके गमलों पर पौधे थे, ठीक है, जिनके गमलों पे जिन्होंने पौधा लगा लिया था, उन्होंने आके अपने पिताजी को दिखाया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, देखिए पिताजी हमारे पौधे कितने सुंदर हैं, ठीक है। फिर राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा, आपका पौधा कहाँ है। तो राजा ने सबसे जो उसका सबसे छोटा बेटा था उससे पूछा कि आपका पौधा कहाँ है, क्योंकि वो ऑफकोर्स लेकर नहीं आया होगा, इसीलिए उससे पूछा, आपका गमला खाली है। उसने बोला कि आपका गमला खाली क्यों है, पौधा कहाँ है। तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन मेरे गमलों में पौधे नहीं बढ़े। उसने उससे सॉरी बोला अपने पिताजी से कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर उसमें पौधे आए ही नहीं। फिर राजा ने कहा, नहीं तुम्हें खेद नहीं होना चाहिए। उसने क्या कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बुरा फील मत करो, क्योंकि मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वह उबले हुए बेकार बीज थे। उसने, देखो इस कहानी में क्या था, उसने सब तीनों को बेकार बीज दिए थे, ठीक है। वो ईमानदारी चेक करना चाह रहा था, है ना। तो उनमें से 2 बेटों ने क्या किया, ऐसे ही बना के दूसरा उसको लाके दिखा दिया, मतलब उसने झूठ बोला। पर तीसरे ने तो सच बोला ना, तीसरे में पौधा आया ही नहीं, तो उसने बता दिया। फिर क्या है कहानी, उन बीजों की मदद से कोई पौधा उगाया नहीं जा सकता। उसने ऐसे खराब बीज दिए थे कि उनमें से पौधे आ ही नहीं सकते। तुम्हारे भाइयों ने मुझसे झूठ बोला, उन दोनों ने उससे झूठ बोला अपने पिताजी से, जब उन्होंने देखा कि उनके पौधे नहीं बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज लगा दिए। जब उन्होंने देखा कि उनके पौधों में बीज उनके पौध उनके बीज से पौधे आ नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, उसे हटाकर दूसरा बीज लगा लिया। उन्होंने उससे झूठ बोला, है ना, लेकिन आप ईमानदार थे और आपने मुझे सच बताया। उसने उससे तीसरे वाले बेटे से क्या कहा कि आप ईमानदार हो, आपने मुझे सब सच बताया। राजा ने सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह है कि वह ईमानदार होना चाहिए, तो मेरे प्यारे बेटे आप अगले राजा होंगे। तो उसको आसानी हुई राजा चुनने में। उसने क्या बोला कि
कि आप ईमानदार हो, तो सबसे बड़ा गुण राजा का क्या होता है कि वो ईमानदार हो। तो उसने उससे बोला कि अगले राजा आप ही चुने जाओगे, ठीक है। तो इस पूरी कहानी की शिक्षा क्या है, हमें क्या समझ में आया इस कहानी से? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे ही ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।